मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और मेरी ग्रेजुएशन ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट से है। हमने उन बच्चों की तालीम को सपोर्ट करना है जिनके फादर इस दुनिया में नहीं रहे, वो बच्चे भी जिनके फादर तो हैं लेकिन वो माजूर हैं और वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, और वो बच्चे भी जो वैसे ही आउट ऑफ स्कूल हैं। ना सिर्फ हमने अपने कॉलेज से स्टार्ट किया, हमने ये इनिशिएटिव बाकी और मेडिकल कॉलेजेस तक उनके क्लास टू क्लास जाकर समझाया, सिखाया और उनके नाम से शुरू करवाया। कोई भी स्टूडेंट जो कि हायर एजुकेशन में है, किसी यूनिवर्सिटी में है, उसको कहीं भी तालीम में दुश्वारी है, वो हमें रابطہ करे, हम उसको कर्ज़ फ्राहम करेंगे और उससे रिटर्न्स लेंगे, और ये बिला सूद है। बहुत सारे बच्चे हमें यहाँ पर स्टेशनरी बेचते हुए मिलते, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने हमें अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताया कि वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन सिर्फ इस वजह से कि सिंगल पेरेंट हैं, सिर्फ उनकी वालदा हैं, तो इस वजह से वो अपने वालदा का हाथ भी बिठा रहे हैं और शायद वो तालीम भी कंटिन्यू नहीं रख पा रहे इसी वजह से। पिछले 10 सालों से इस कॉलेज के 10 बैचेस से लोग इसमें शामिल हैं जो कि 500 से ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें जो ख़ास बात वो ये है कि ये स्टूडेंट की पॉकेट मनी से अमाउंट आ रही है, हम किसी भी आउटसाइड सोर्स को नहीं अप्रोच करते कि वो हमें डोनेशन दें और ना ही हम एक्सेप्ट करते कि यहाँ आने वाला हर स्टूडेंट ना सिर्फ अपनी तालीम हासिल करता है बल्कि इस दुनिया के लिए वो फिलैंथ्रोपी में क्या कर सकता है, वो ये बनकर आगे निकलता है। ख़ास तौर पे इस इनिशिएटिव में जो मदद की है और मैं कभी नहीं भूल सकता, वो हमारे टीचर्स की है। टीचर्स ने हर गुज़रते साल इसमें इजाफा हुआ है और कंटिन्यू सपोर्ट रखी है, उसको उन्होंने सपोर्ट को तोड़ने नहीं दिया। हमारा ये इनिशिएटिव सारे मेडिकल कॉलेजेस तक फैल रहा है, तो स्टार्ट में ये सिर्फ हमने अपने ही कॉलेज से लिया था और एक बच्चे से लिया था, और अब माशाल्लाह सिर्फ हमारे कॉलेज में ही हम 50 से ज़्यादा बच्चों पे 50 लाख स्पेंड कर चुके हैं, और इसी तरह हर मेडिकल कॉलेज में ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। और दूसरा कर्ज़ हसना है जो कि हमारा रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, और इसमें सिर्फ हमारे कॉलेज ने 77 लोगों को सपोर्ट किया है, और हर मेडिकल कॉलेज अपने अपने ते ही एफ़र्ट कर रहा है, जो कि हम साल में एक बार इकट्ठे भी होते हैं, एक दूसरे से हम अपनी एफ़र्ट शेयर भी कर रहे हैं, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा खुशी है कि ये एफ़र्ट्स कलेक्टिवली हो रही हैं। मेरे पेरेंट्स आज के दिन तक खिदमत खल्क इस अंदाज़ से करते आ रहे हैं कि वो उनको हर रोज़ पानी फ्राहम करते हैं। ये मेरे माइंड में ये चीज़ मौजूद थी कि खिदमत खल्क की परवरिश बचपन से मेरे साथ मुंसलिक रही है, जो कि मेरे कॉलेज में आके यहाँ पर मैंने एग्ज़िबिट की और ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया अपने अंदाज से, इल्म के अंदाज से। इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि ये नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में भी ये हम जा सकें इसके साथ। नंबर टू के किस तरह रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसके दो तरीके हैं। हर बंदा अपना ऑनलाइन रिकॉर्ड फीड करता है, और दूसरा वो फीड करता है फाइल्स की फॉर्म। फाइल्स इस तरह हैं कि जो जो चीज़ हम स्पेंड कर रहे हैं उसकी रसीद हम फाइल के साथ लगाते हैं, और सेपरेट फाइल में उसको मेंशन किया जाता है कि कितनी अमाउंट लगाई गई है। और ये ना सिर्फ हम लोग करते हैं, जिसका मैंने बताया कि सारे मेडिकल कॉलेजेस में हमने इसी बिना पर ये सिस्टम आगे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। देखिए, मेरी सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशन जो आई है वो हमारे कुरान से आई है और हमारे नबी की ज़िंदगी से आई। वो इस तरह कि जब हमने कुरान पर ज़रा गौर किया और पता चला कि अल्लाह को इल्म के साथ कितनी मोहब्बत है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ HPL PSL का और किंगडम वैली का, जिसने इस कौम के हर फर्द को बावर करवाने की ये कोशिश की कि वो इसके मुकद्दर का सितारा है। और मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कहानी आप सबके सामने रख सकूँ, सारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स तक पहुँचा सकूँ, और बाकी दुनिया तक भी हम ये पैगाम पहुँचा सकें कि अगर हम ये काम शुरू कर सकते हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान मौजूद हैं वो एक दूसरे की केयर करना शुरू करें। शुक्रिया।